नमामि राम रघुवंशनाथम। ब्रह्मस्त्रतिः साधा कपि मन किन्ह विचार, जो न ब्रह्म शरमानं महिमा मिटै अपार। हनुमंत लाल पर किसी भी अस्त्र का शस्त्र का प्रयोग नहीं हो सकता है। उनको बचपन में ही यह सब आशीर्वाद मिल चुका था, लेकिन ब्रह्म रूप में जब यह अस्त्र आया तो हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा जी का सम्मान करना जरूरी है। आगे प्रभु श्री राम जो करेंगे देखा जाएगा। शंकर जी कहते हैं, जासु नाम जपि सुनहि भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगि कपिहि बंधावा। प्रभु आशुतोष माँ पार्वती से कहते हैं कि राम मात्र कह करके जब लोग भव के बंधन को, संसार के बंधनों को काट देते हैं, आज उनका परम भक्त हनुमान ब्रह्मपाश में बंद कैसे गया, निश्चित ही राघवेंद्र सरकार की कुछ कृपा है इसमें। कपि मन कपि बंधन सुनि निश्चर आए, कौतुक लागि सभा सब लाए। और सारे निश्चर आ गए और हनुमंत लाल को सभा में लाए। कपि ही बिलो की दशानना, बिहसा कहि दुर्वाद, सुत बध सुरती किन्ह पुनी, उपजा हृदय विषाद। कपि को देख करके रावण ने कटु वचन कहे, लेकिन जब पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो उनके मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि अक्षय कुमार का वध हनुमान लाल ने अशोक वाटिका में कर दिया था। कहता है रावण, कहलंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाल सीबन खीस। ऐ बंदर, तुम कौन है और किसके ताकत पे आकर के तुमने, किसके बल पे घमंड करके तुमने हमारी अशोक वाटिका को उजारा। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण को बाधा। अरे सठ, अरे मूर्ख बंदर, तुमने हमारे राक्षसों का वध क्यों किया? क्या तुम जानता नहीं कि लंका नाम से बंदरों की खिघी बन जाती है, प्राण सूखने लगते हैं, और तुमने उल्टे आकर के राक्षसों को बांधा। हनुमान जी कहते हैं, जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सिजत हरत दस सीसा, जा बल सीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरी कानन। अरे जिनकी आज्ञा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कार्यों में निमित होते हैं, और जिनकी आज्ञा से सहस सिरधारी नाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उनकी आज्ञा से मैं यहां आया हूं। खर दुषन त्रिशिरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। ये सब नहीं बुझाया? तुम्हारा ही भाई था खर और दुषन, त्रिशिरा और बाली। बाली तुम्हारा भाई नहीं था, बाली बंदरों का राजा था, सुग्रीव महाराज का बड़ा भाई था, लेकिन तुम्हारे तो भाई थे खर दुषन और त्रिशिरा राक्षस थे। उन लोगों का वध है जिन्होंने किया। जाके बल लवले सते जितहु चरा चर झार, तासु दूत मैं जा करी हरियाने हु प्रिय नारी।
और जिनके दूध को तुम और जिनकी पत्नी को तुम हरण करके लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। अपने बल का बखान करने लगा रावण। कहते हैं हनुमंत लाल, जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्रबाहु सन परी लड़ाई। सहस्त्रबाहु से लड़ने के लिए रावण गया था और सहस्त्रबाहु ने एक विशिष्ट जानवर समझ करके इसको बांध दिया था। बाली की समर बाली सन कर जसुगावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। बाली की कांख में तुम 6 महीना तक रहे, उसी रावण से मैं बात कर रहा हूं। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखामन, देखहु तुम निज कुलही बिचारी, भ्रम तज भजहुं भगत भय हारी। ए रावण, अपने कुल का विचार करो। उत्तम कुल पुलस्त्य के नाती, उत्तम कुल के हो, राघवेंद्र सरकार की बात मान लो, उनके शरण में चल चलो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। हमारे प्रभु इतने कृपा के सिंधु हैं, यद्यपि तूने अक्षम अपराध किया है, तेरे अपराध की कोई क्षमा नहीं है, लेकिन अगर तुम शरण में जाओगे तो तुम्हारे किए हुए अपराध को भूल करके राघवेंद्र सरकार तुम्हें अभयदान दे देंगे। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। कहता है रावण, ए बंदर, तेरी मृत्यु तेरे करीब आ गई है, इसीलिए तुम हमको सिखावन देता है। उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। हनुमंत लाल कहते हैं, बुद्धि तेरी मारी गई है लंकापति रावण, अब तू मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। नाई शीश करी विनय बिरु बहुता, नीत विरोधन मारिय दूता। रावण ने हनुमंत लाल को हत्या करने की, मार देने की बात कही। विभीषण जी महाराज ने कहा कि नहीं, दूत को मारना शोभा नहीं। तब ये फैसला हुआ, कपि के ममता पूछ परा, सब ही कहु समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पाव कदे हूं लगाई। बंदर की ममता अपने पूछ पर बहुत ज्यादा होती है, बंदर ही उसकी शोभा है। कपड़ा लगाओ, उसमें तेल दो और उसको आग लगा करके इसके पूंछ को जला दो। पूंछ ही न बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आई। अब ये पूंछ वाला था हनुमान, बिना पूंछ के जाएगा राम के पास। तब वो अपने प्रभु को लाएगा और हनुमान जी के पूंछ में आग लग गई। निबू की चढ़े वो कपिकन कर अटारी, भय भय भी सभीत निशाचर नारी। और राक्षसों की पत्नियां क्या हो गई, डरने लगी। हरि प्रेरित तेही अवसर चले मरुत उन्चास, अट्टहास करी गरजा कपी बाढ़ लाग आकाश। पूरे लंका में आग लग गई। हनुमान जी की पूछ ही तो प्रकृति का देन है, माँ सीता पार्वती हैं, प्रकृति हैं। वो प्रकृति को रावण ने गिरफ्तार कर रखा है और पूरे लंका का तापमान बढ़ गया है। दुर्बुद्धि आई, रावण ने आग लगाने की बात कही और रावण के आग लगाने से ही पूरी लंका में आग लग गई। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। हनुमान जी का विशाल देह था लेकिन बहुत ही हल्का था। जा जरई नगर भालोग बिहाला,
झपट लपट बहु कोटि कराला और सारा नगर आग में जलने लगा। पूछ बुझाई खोई समा धरि लघु रूप बहोरि जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। लंका को जला करके हनुमंत लाल जनक नंदिनी सीता के सामने खड़ा हो गए। जनक सुत ही समुझाई करी बहु विधि धीरज दिन चरण कमल शिरुनाई कपि गमन राम पहिकिन। माता जानकी को जनक नंदिनी को हनुमान जी ने बहुत समझाया और कहा कि प्रभु बहुत जल्द आ जाएंगे। माँ ने कहा मास दिवस मोहनाथ न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अगर 30 दिन 1 माह तक राघवेंद्र नहीं आएंगे तो हमको जिंदा नहीं पाएंगे। लेकिन हनुमान लाल ने कहा बहुत प्रकार से माता को समझाया और राम के पास चलत चल दिए। चलत महाधुन गरज शिभारी गर्भ सव ही सुन निश चर नारी। और जब हनुमंत लाल चलते हैं तो ऐसी गर्जना होती है मानो वज्र गिर गया हो लंका के ऊपर। गर्भवती राक्षसियों के गर्भ साव हो जाती हैं और समंदर को नांग करके अपने दल के पास चले गए। हर खे सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। और तो सब लोगों ने कहा कि हनुमंत लाल आपने हम लोगों को नया जीवन दे दिया। और मधुबन में जाकर के फल खाने लगे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुवराज सुनि सुग्रीव हरख कपि करी आए प्रभु काज। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुवराज सुनि सुग्रीव हरख कपि करी आए प्रभु काज। और वन को उजारने लगे जिसे जान करके सुग्रीव जी महाराज बहुत खुश हुए कि तो रोक लगा दी गई थी। बिना काशी बिना सीता के सुधी पाए कोई फल नहीं खा सकता था। अभी सब फल खा रहे हैं यानी जनक नंदिनी सीता का इन लोगों ने पता लगा लिया है। जय श्री राम।